मेरा नाम भी ले लो दीदी। मान भी कैसी हो? हम अच्छे हैं, बढ़िया हैं। और बताओ। सुंदर लग रही हो हमारी बहन। फिल्टर लगाए। माय फेवरेट। अच्छा, हम फेवरेट बन गए। किनके हम फेवरेट हैं? एक बात है, आप लोग ना मैं इतनो सपोर्ट करो कि मम्मी पापा ने पहली बार बिग बॉस देखा तुम्हारे लिए, उनको मेरा नमस्ते बोलना और थैंक यू बोलना। यह बात तो सही है, बिग बॉस गांव में बहुत लोग नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते जो पढ़े लिखे थे और जो गांव में काम वाम कर रहे थे। जैसे हमारी मम्मी नहीं जानती बिग बॉस, हमारे वजह से बिग बॉस जानने लगे लोग। यू बहुत अच्छी बात है या अच्छी बात की? चलो हमारे वजह से गांव वाले ने तो बिग बॉस देखो, नहीं तो बिग बॉस तो कोई जानता ही नहीं तो गांव में। जैसे हमारी मम्मी नहीं जानती थी, हमारी दीदी नहीं जानती थी कि बिग बॉस का होती, ईसा देखती बिग बॉस कभी कभार। वाल्मी को सुधार दिया वो कल मुझे। बिग बॉस में मजा तो खूब आई लड़ाई करके। हाँ, बहुत बार इमोशनल भी हो गए, दिल से जो चीजें लग जाती थी फिर वो हार्ड हो जाती थी। हर ब्लॉग देखता हूँ आपका, आज किन्ना किन्ना मेरा ब्लॉग देखो, आज भी आओ, डेली ब्लॉग डाल रहे हैं आप लोगों की वजह से। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी रोज ब्लॉग डालो, रोज ब्लॉग डालो, इस वजह से डेली ब्लॉग कर रहे हैं। ओ डॉली भैया आए गए हैं। और डॉली भैया कैसे हो आप? आओ लाइव पे ले तुम्हें। शुभम भैया कैसे हो आप? और आज हम डोली भैया से बात कर रहे हैं। हम डोली भैया के वीडियो बहुत देखे। कांग्रेचुलेशन शिवानी, खूब तरक्की कीजिए। थैंक यू आदर्श भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। कटारिया को राखी बंधन में जाओगी क्या? कटारिया भाई खुद आएंगे। और बहन आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू। अरे जी, तहलका मचा दिया, बिना जीते ही इंडिया हिला दिया, क्या बात है। सोचा बिना जीत के इतनी चर्चा है, जीत जाते फिर का हो तो। ये भी बात तो है। नागपुर कब आओगी आप? आओ भैया कानपुर लिवा जाओ, मैं आओ लाइव पे आओ। अच्छा, एक बार आपसे हम फेस टू फेस बात करो चांद। अरे डॉली भैया, और बताओ, बहुत सपोर्ट करो आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतनो नहीं सोचते सच में, इतने वोट मिले हैं। हम तो यू सोचते कि जब पहली बार
जब पहली बार हम नॉमिनेट भए थे तो हमें क्या लग रहो तो कि माय ऑडियंस गांव से हमें देखा था, शायद हमें वोट ना कर पाए तो हम पहली बार में निकल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो तो बाद में पता चलो जब भी हमारे बार नॉमिनेट हो रहे थे, हमारे बार नॉमिनेट हो रहे थे, बाहर वाली वोटिंग से तो हमें निकाल ही नहीं पा रहे तो कोई। अब फिर हम सोच रहे थे कि बाहर की वोटिंग से हमें कोई निकाल नहीं पा रहा, शायद जनता बहुत प्यार कर रही है हमें। और ये बात हकीकत है, हमें घर की वोटिंग से निकाल दो, बाहर की वोटिंग से तो बिल्कुल हला ही नहीं पाओ, इतनो हमें प्यार कर रहे, सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे हम, खूब मजा आ रहे थे। मेरा लाइफ कनेक्ट नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रो का लाइफ कनेक्ट तुम्हारा? पता नहीं, हम तो कर रहे, तुम लाइव पे ऐड हो कर रहे। भैया कर लें लाइव आता और हूँ। बता। हेलो हाय, क्या कैसे मैं हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम कैसी हो? हम अच्छे हैं। अच्छा, चलो बढ़िया, हाँ अच्छा लगा। मैं अभी एकदम, मैंने मोबाइल ओपन किया तो मैंने देखा शिवानी लाइव है, तो मैंने कहा देखूं अंदर चल के हाँ आपके तो वीडियो हम पर बहुत देखा था है। हैं, खाओ भगवान कसम भगवान हेलो अच्छा। नहीं, का हाँ और बताओ। मैं नहीं, बाकी सब बढ़िया है। और सही बताऊं तो मैंने मतलब जैसे कितनी बार मतलब बिग बॉस हो गयो, मैंने अभी तक नहीं देखे। अच्छा बिग बॉस देखे है और मैंने पहली बार जियो सिनेमा को सब्सक्रिप्शन लियो, तुम्हें वोट करने के लिए लियो तो मैंने। और जब से अभी चालू है, फिर कभी कभी मन करे तो फिर ऐसे इंस्टाग्राम पे देखियो अधिकतर, तो जो तुम्हारी रील आती रहे, जो है इंग्लिश घरे पहुंचे और पता नहीं कहीं कहीं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग थो, बहुत अच्छे लगे हैं। मतलब मैं ऐसा फील हुआ कि मतलब वह जगह पे मैं है ऐसा हाँ तो बहुत इंग्लिश है, इंग्लिश बोल रहे थे और हमें समझ में ना आया, अंग्रेजी अपने घर पहुंची हो, हिंदी में बोला हो। हाँ वो थोड़ी सी अपने समझ कम पड़े है, धीरे धीरे आ हाँ जाएगी आदत, वो आनो जानो होगा। तो चलो बस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छो करो। और बड़ी खुशी हुई देख के बिग बॉस में कि हाँ मतलब यहाँ से भी वहां जा सके कोई भी। हाँ गांव से पहली बार कोई लड़की बिग बॉस में गई थी। हाँ पर मतलब 100% में तो इतना विश्वास था कि शिवानी और ये अपने वो लवकेश भाई मतलब दो ही वहां लास्ट तक जाएगा, पर बीच में कहीं हो गया समझ भी नहीं पड़ी है। हाँ, वो पता ही नहीं, बाहर की वोटिंग होती तो निकाले नहीं पाते। हाँ नहीं देख, पब्लिक को बहुत सपोर्ट हो और सभी जगह को, मतलब एक वो जो दिल से कनेक्ट रहे नहीं, वो वाली चीज थी कि हाँ मतलब यार शिवानी शिवानी वो चलो और हैं और ठीक। चलो कहाँ, घर पे ही हो? हाँ घर हैं चलो ओके, बढ़िया, कानपुर। फिर मैं करूंगा मैसेज आपको, बात करते ठीक हैं। ठीक ठीक ले मौसी आई है लाइव पर, अंग्रेजी मौसी ये कम ना है ते, ये गिटर पिटर अंग्रेजी बोलो कर दी थी देखो। हाय शिवानी, हाय कैसी हो? फाइन हाउ आर यू? बहुत टाइम का बाद, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत टाइम, एक हफ्ता ही हुआ है बट ऐसा एक बहुत टाइम लग रहा है। हाँ बातचीत बहुत ऐसा लग रहा, बहुत दिन बाद हो रही। आई नो, कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप कैसी हो? बस बस गुड। मुंबई कब आ रहे हो? मुंबई का तो अभी पता नहीं। ठीक है, हम आ जाते हैं कानपुर। हम आ सकते हैं? हाँ कानपुर आ जाओ तुम। हाँ आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। हाँ सच में आ जाएंगे। हाँ ठीक। क्या चल रहा है, किस में बिजी हो आजकल? तुम तो हर जगह छा गए, आजकल ब्लॉग बनाते हैं और का तुम तो हर जगह छा गए शिवानी। कहाँ छाए गए, तुम तो छाई पड़ी।
तुम भी तो छाई हो। मैं कहाँ पे, इतना नहीं। अभी हमारा वो ब्लॉग, मतलब तुम्हारा ब्लॉग बहुत वायरल हुआ है, जिसमें हम लोग बात करें 18 सितंबर, ये वो। मैंने अपने उसका क्लिप भी डाला मेरे इंस्टा पे, तो बहुत चला वो। हाँ, हमने हमने कहा था कि मेरे ब्लॉग में आया तो सब लोग जानने लगे हैं, मेरे इधर के सब लोग आपको जानने लगे। चलो अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। नमस्ते सबको, थैंक यू। एंड मैंने व्लॉग में भी बोला कि शिवानी ने बहुत अच्छा किया था अब बिग बॉस में। और कल मैं अपने कजिन के साथ थी कल, और उसने बोला कि वो शिवानी उनको सबसे ज्यादा, उनको शिवानी थैंक यू, सबसे उनको ज्यादा थैंक यू अच्छे। बोलना। हाँ जरूर जरूर, सब लोग मेरे हस्बैंड से लेकर सब सब कोई आपको मतलब लाइक कर रहे थे शो में। हाँ, और पसंद कुछ इंग्लिश, तो करो कुछ इंग्लिश की वर्ड सीखे या नहीं तुमने? सबने, आपने तो सिखाए थे। नहीं, अभी तुम बोलो, आई एम ओवरवेल्म्ड विथ माई रिस्पॉन्स, इतना बोलो। ये जो देख रहे हैं खुद नहीं समझे कहाँ है कहाँ नहीं, हम नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये है कि जितना लोगों ने मुझे प्यार किया, मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूं। हाँ, ये बात तो सही है कि इतना प्यार सोचा नहीं था उससे ज्यादा मिल गया। हाँ, तो ऐसे तो अगर मतलब अगर तुम बोलो आई एम ओवरवेल्म विथ माई रिस्पॉन्स, इसका मतलब यही है कि जितना लोगों ने मुझे प्यार किया, जितना लोगों ने मुझे पसंद किया, उससे मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। हाँ, और बहुत दिल से आभार शुक्रिया करना चाहती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप ब्लेस्ड रहो, खुश रहो शिवानी, एंड कीप रॉकिंग। थैंक गॉड ब्लेस यू यू। डार्लिंग। ठीक आप बताओ, और बताइए मुनीषा जी, विशाल का नंबर सेंड कीजिए, कैसे बोल लें। आज हम लाइव पे आ गए, आप लोगों तो बातचीत करन। हाँ बेटिया, फिल्टर लगा लो तुम। फिल्टर बिना बेटिया आते ही ना सामने। तो मैं क्या थोड़ी अच्छी शक्ल लेके जाऊं, वरना शिवानी शिवानी चमकेगी। कैसे और हो? बताओ, क्या कर रही, मंदिर अंदर गई थी का? नहीं, महादेव जी को जल चढ़ाती हूँ ना डेली, तो वही है। अच्छा हाँ, अच्छा कहाँ कैसी हो बताओ, बन चल कितने रहे दिन हैं? बाद। और बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा यार बिग बॉस में देख के। मैं पहले डेली ऐसे कंटिन्यू देखती रही थी, बट शिवानी के लिए तो यस। लाइव भी देखा, बट लाइव में थोड़ा समझ नहीं आया, लाइव कब का दिखा रहे थे, कैसे क्या, कुछ ही समझ नहीं आ रहा था। वो पीछे गए या आने वाले आगे जो एपिसोड आएगा उसका, कुछ भी बल्ले नहीं पड़ रहा था। एपिसोड देखे थे? हाँ, एपिसोड A to Z देखिए, A to Z। सबसे अच्छा कौन लग रहे हो तो वहां में? भाई हमें तो शिवानी लगेगी, और विशाल भी फेवरेट था। विशाल ने भी अच्छा किया यार, विशाल मेरे को काफी अच्छा लगा। कटारिया भी बेस्ट था, जो तुम्हारा ग्रुप था ना वो सारा अच्छा था, मतलब मस्त था, रख रखी थी सबकी। दूसरी साइड वाले तो यही सोचते रह रहे थे बस कि क्या कर रहे होंगे क्या नहीं, खुद के बारे में 1% नहीं सोचा, बस वो क्या कर रहे होंगे, ये पक्का ये सोच रहे होंगे। भाई इतना मतलब उनका एडवांस माइंड चल रहा था, जो तुम सोच भी नहीं रहे थे ना वो उन्होंने सोच लिया था। हाँ, अगर आप, हम तो बाहर बैठ के सिर्फ मस्ती करते थे। हाँ बड़ी मस्ती करी है यार। वो पुल वाला मेरे को बड़ा मस्त लगा था, जो पुल में सब सबके साथ नहाना, और एक वो क्या फेंका था, कुछ फेंका था ना बाद में, फिर आपने वो क्लीन किया, चप्पल मजेदार लगा था। इंजॉय किया है, मतलब एक दिन बाद में ये नहीं कि भी हाँ आऊं बाहर और रिग्रेट करूं, इंजॉय किया आपने, वो सबसे बेस्ट था। करो, बहुत हाँ, सारे एंजॉय किया। मजा आए। आपके लिए सबसे बेस्ट क्या था, कि क्या मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा कि हाँ मैंने एंजॉय किया, याद रहेगा लाइफ। कमेंट भी आ रहे थे कि शिवानी तो अपने नानी घर पर गई है। अरे बताओ। वही कह रहे कि सब लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये सब लोग तो नानी के घर पर गए एंजॉय करने, बिग बॉस थोड़ी गए हैं।
अच्छा, वहां पे नहीं, ये है कि अब की बार बिग बॉस में इतनी लड़ाइयां वड़ाइयां नहीं हुई, जो जिस चीज के लिए फेमस है बिग बॉस, अब की बार मस्त चला है, सही हाँ, चला, नहीं बढ़िया मस्ती चला। करी। और भाई मैंने तो पहली बार आपका वो रूप देखा, जो लड़ाई हुई थी ना, क्या निकल के आई सी मानी की, एक भी बात से ऐसे नहीं भी फंबल हो रही है, मतलब बात जो बोल दी तगड़ी यार, मैं क्या सही में। और जब पंजा लड़ाया था पंजे में भी, भाई मैं क्या, ये लड़की इतना दम है इसमें, वो बड़ी वायरल हुई थी बाहर, पूरा नू लट लट कह के ना पूरी चढ़ा रखी, मैं क्या सही है भाई, लड़की ने सपोर्ट कर रहे हैं हम, जिसको बड़ी है वो अच्छी लड़की है, मतलब अच्छा लगा भाई। बाकी यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे हाँ, लड़के, वो पंजा में हार गई, पंजा में हमने भाभी कही, हमने कहा लड़ा लियो। भैया कह रहे थे कि मेरी मेरी पत्नी तो योद्धा है, हमने कि तुम्हारी पत्नी योद्धा है, हमने कि लड़ा लियो पंजा, पंजा लड़ा, वो हार गई, गिर गई। भैया को मुंह बन गयो। आवेल मुझे मार, जो मुहावरा कहावत जो भी है वो रियल साबित होगी, उनको उनको लगा था कि हाँ ये कहाँ, उनको अपनी जिम पे कि जिम विम करते हैं जो भी है उनको, बट फिट्टे मुंह बड़ा मजा बाहर निकल के हमने वो रील देखी, हमारी फेवरेट रील बन गई वो तो। था वो, मैंने जब देखा ना तभी मैंने भी कमेंट किया था, तभी देखते ही मैं क्या, मैंने तो वैसे उसमें देख लिया था एपिसोड में डाला ना, मजा गाना ऐसे लगा रखा है ना भाई उस पे, रील पे भी मस्त है, जच रहा है, मैं क्या हाँ ये बढ़िया है, सही चली थी, बाकी बढ़िया है भाई, आगे तरक्की करती रहो, बाकी हम यहाँ पे हैं या हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारी नॉन में ऐसी ऐसी लड़की आगे जा रही है, और मिलो भाई कभी, आओ दिल्ली गुड़गांव, मुंबई का हमें हाँ 10 कर दिया पता है, 53 गेट नंबर पे, और मैं थी 50 पे, इस साइड मैं उस साइड आप, कानपुर की उस साइड से फ्लाइट थी भाई, मैंने जब स्टोरी देखी ना मैंने बस 10 मिनट लेट कर दिया, अदरवाइज आप वहीं बैठे थे, मैंने व्लॉग भी डाला है, मैं तो मेरे व्लॉग में और आपके व्लॉग मैंने देखा ना सेम वहीं का था,